किसी जीन को सबसे पहले कट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी डॉक्यूमेंट में हम किसी वर्ड को रिप्लेस करते हैं या फिर मॉडिफाई। तो जिन डायनासोर्स को हम हज़ारों साल पहले एक्सटिंक्ट हुआ देखते थे, वो आज के टाइम पे वापस ज़िंदा हो जाएंगे। रेप्लिकेट कॉपी बना देता है उस ऑर्गेनिज्म की जिसे हम क्लोन करना चाहते हैं। तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सटिंक्टेड स्पीशीज के रीबर्थ या फिर डी एक्सटिंक्शन के बारे में। डी एक्सटिंक्शन है क्या? आज के टाइम पे वर्ल्ड के सब साइंटिस्ट का सबसे बड़ा मेजर डिस्कशन का इशू है डी एक्सटिंक्शन। तो डी एक्सटिंक्शन असली में है क्या? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डी एक्सटिंक्शन के मॉरल, साइंटिफिक और सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं डी एक्सटिंक्शन असली में होता क्या है। डी एक्सटिंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हमारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, और इसका मेन की रोल ये है कि जो विलुप्त हो चुकी हैं प्रजातियाँ हमारे इस वर्ल्ड से, उसे वापस जिंदा करना। डी एक्सटिंक्शन के जरिए जो प्रजातियाँ हमारे प्लैनेट पे हज़ारों करोड़ों साल पहले रहती थी, वो वापस जिंदा हो पाएंगी डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए, जैसे कि क्लोनिंग होगी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी। अब रिसर्चर्स जो हैं वो काफ़ी टाइम से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल भी रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो जिन डायनासोर्स को हम हज़ारों साल पहले एक्सटिंक्ट हुआ देखते थे, वो आज के टाइम पे वापस जिंदा हो जाएंगे। डी एक्सटिंक्शन आज के टाइम पे एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके हमारे साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में। बट डी एक्सटिंक्शन को समझने से पहले हमें दो चीज़ों को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले होगी जीन एडिटिंग और साथ में होगी क्लोनिंग। तो जीन एडिटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑल्ट्रेशन करते हैं और मॉडिफिकेशन करते हैं किसी जीन की। अब एक टेक्निक है जिसका नाम है कैस्पर Cas9। अब कैस्पर की मदद से हम किसी जीन को सबसे पहले कट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी डॉक्यूमेंट में हम किसी वर्ड को रिप्लेस करते हैं या फिर मॉडिफाई कर देते हैं। और दूसरी तरफ आता है क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब होता है किसी जीन की एग्जैक्ट कॉपी बनाना या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी बनाना। तो क्लोनिंग में हम क्या करते हैं, क्लोनिंग में सबसे पहले हम एक होस्ट सेल लेते हैं और उसका जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है हम उसकी बॉडी से रिमूव कर देते हैं, और उस जेनेटिक मटेरियल को रिमूव करने के बाद हम उस होस्ट सेल में DNA भर देते हैं उस ऑर्गेनिज्म का जिसको हम क्लोन करना चाहते हैं, और उसके बाद उसे थोड़ा टाइम देते हैं ग्रो करने के लिए और वो बिल्कुल रेप्लिकेट कॉपी बना देता है उस ऑर्गेनिज्म की जिसे हम क्लोन करना चाहते हैं। अब दोनों जीन एडिटिंग और क्लोनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है डी एक्सटिंक्शन के इस प्रोसेस में। अब सबसे पहले क्या किया जाता है कि स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया जाता है और इसका जीनोम बनाया जाता है लैब के अंदर विद द हेल्प ऑफ क्रिस्पर। अब इस बनाए हुए जीनोम को एक होस्ट बॉडी ली जाती है जो बिल्कुल ही क्लोजली रिलेटेड हो उस एक्सटिंक्टेड स्पीशीज के, और उसके बाद उस होस्ट बॉडी के अंदर इस बनाए हुए जीनोम को डाला जाता है और इसको एनकरेज किया जाता है कि ये डेवलप हो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, जो बिल्कुल ही अगर देखे जाए हम थ्योरेटिकली बात तो क्लोजली रिलेटेड होता है उस एक्सटिंक्टेड स्पीशीज के। अब ये जो जीन एडिटिंग, क्लोनिंग या फिर डी एक्सटिंक्शन का जो प्रोसेस है, ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोसेस है जो बिल्कुल डिफरेंट एरियाज को इंक्लूड करता है बायोलॉजी के अपने अंदर। डिफरेंट एस्पेक्ट में बात की जाए तो इसके काफ़ी ज़्यादा ऐसे आंसर्स हैं जो आज के टाइम पे साइंटिस्ट जिसको ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं। अब दूसरे नंबर पर इस बात को डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहने चाहिए डी एक्सटिंक्शन के तरफ। अब सबसे पहले एक चीज़ को समझ लेते हैं कि क्या ये सही रहेगा उन एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस इस दुनिया में लाना जिनको नेचर ने ही एक्सटिंक्ट कर दिया। कुछ लोगों का कहना ये है कि हमें नेचर को अकेला छोड़ देना चाहिए, और कुछ लोगों का मानना ये है कि हमारे इंसानों के कारण ही वो प्रजातियाँ एक्सटिंक्ट हुई, जिसके कारण ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम वापस उन्हें इस दुनिया में लाएँ। बट दूसरे नंबर पर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो क्लोनिंग का जो प्रोसेस है ना, वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, उसका सक्सेस रेट इतना हाई नहीं है। अगर हम किसी एनिमल को क्लोन करके वापस इस दुनिया में लेके भी आ जाते हैं तो वो वापस आएंगे कुछ हेल्थ इशूज़ के साथ। तो क्या ये बिल्कुल सही रहेगा उन्हें वापस लाने के चक्कर में हमें उन्हें सफरिंग में डालना? और दूसरी तरफ अगर देखे जाए तो इस डी एक्सटिंक्शन के प्रोसेस के कारण जो कंजर्वेशन का जो हमारा प्रोसेस था उसकी फंडिंग काफ़ी कम हो चुकी है। तो कहीं ये ना हो कि हम किसी विलुप्त प्रजातियों को वापस लाने के चक्कर में एंडेंजर्ड स्पीशीज को ही एक्सटिंक्ट कर बैठे, और साथ ही में डी एक्सटिंक्शन का हमारी सोसाइटी पे एक इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ने वाला है। जो स्पीशीज आज से हज़ारों करोड़ों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, अगर हम उन्हें वापस जिंदा करते हैं, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगी आज के इस इकोसिस्टम में जो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है पहले के इकोसिस्टम से? और साथ ही में एक मॉरल खतरा भी बढ़ने वाला है हर एक स्पीशीज के ऊपर अगर डी एक्सटिंक्शन बिल्कुल ही सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि अगर हमारे इंसानों को पता चल गया कि डी एक्सटिंक्शन की मदद से हम किसी भी एक्सटिंक्टेड स्पीशीज को वापस जिंदा कर सकते हैं, तो वो और ज़्यादा स्पीशीज को मारना शुरू कर देंगे। और साथ ही में एक और चीज़
है, अगर हमें अपने इकोसिस्टम को बचाना है तो डी एक्सटिंक्शन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा भी है। बट इस अच्छे होने के साथ ही हमें इसे नेचर के साथ भी बैलेंस करना पड़ेगा ताकि हमारा फ्यूचर सेफ रहे और साथ में सारी की सारी स्पीशियस प्रिजर्व्ड रहे, एक्सटिंक्ट ना हो पाए। अब इस टॉपिक में काफ़ी और चीज़ें हैं जो डिस्कस करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ आती है पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ डी एक्सटिंक्शन। अब पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ डी एक्सटिंक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ को जो इम्पैक्ट करेगी डी एक्सटिंक्शन वो है हमारी बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की तो डी एक्सटिंक्शन के कारण इंक्रीज़ होने वाली है पूरे वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी जब इंक्रीज होगी तो हमारे वर्ल्ड में वो चीज़ें भी रिस्टोर हो जाएंगी जो पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी थी इन एनिमल्स के एक्सटिंक्ट होने के साथ ही। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इन एनिमल्स के डी एक्सटिंक्शन के प्रोसेस की तो शायद से ये एनिमल्स डी एक्सटिंक्शन के प्रोसेस से वापस तो आ सकते हैं बट ये एनिमल्स जो हैं ये बेसिकली काफ़ी बड़ा थ्रेट भी ला सकते हैं ह्यूमन मैनकाइंड को। और ये जो डी एक्सटिंक्शन का प्रोसेस है ये काफ़ी बड़ा मेजर थ्रेट पोज कर सकता है हमारे इकोसिस्टम को, क्योंकि ये जो इकोसिस्टम है इसमें हमारी फूड चेन से लेके हर एक चीज़ डिसरप्ट होने वाली है इन एनिमल्स को अगर हम वापस लेके आते हैं, और हमारी बायोडाइवर्सिटी भी खतरे में आ जाएगी। और साथ ही में इन एनिमल्स का जो वे ऑफ लिविंग था वो आज के टाइम पे काफ़ी डिफरेंट होने वाला है, तो हम इन एनिमल्स को कहाँ पर रखेंगे? और साथ में क्लोनिंग के कारण काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स बीमार भी होने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, हमें इन एनिमल्स को वापस ज़िंदा करना चाहिए? और साथ ही में अगर हम इन एक्सटिंक्टेड स्पीशीज़ को वापस भी लेके आ जाते हैं तो क्या भरोसा है कि ये हम पे काउंटर अटैक नहीं करेंगे और हमारे वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी और कल्चर को खतरे में नहीं डालेंगे? दूसरी तरफ अगर हम इन्हें वापस लेके आते हैं तो कई ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनके कल्चरल एस्पेक्ट वापस ज़िंदा हो जाएंगे। तो डी एक्सटिंक्शन के इस प्रोसेस में यहाँ पर एक तरफ फ़ायदे भी हैं, वहाँ दूसरी तरफ नुकसान भी है। हमें डी एक्सटिंक्शन के इस प्रोसेस को बेसिकली बैलेंस वे में ही अप्रोच करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इसे समय से पहले यूज़ कर लेते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारे मैनकाइंड को ही खतरे में ला दे। और इससे काफ़ी ज़्यादा फायदे भी होने वाले हैं, जैसे रिस्टोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और डिफरेंट स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है उन्हें वापस ला के उनके ऊपर स्टडी करने में मदद कर सकता है। तो क्या सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए इसे वापस ला सकते हैं? अगर इसे हम वापस लेके आए इन एनिमल्स को तो ये हमारे इकोसिस्टम को एक थ्रेट प्रोसेस कर सकते हैं और साथ ही हमारी बायोडाइवर्सिटी भी खतरे में आ सकती है। तो ये टॉपिक तो काफ़ी ज़्यादा वाइड है और हमें इस टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा सोच समझकर इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।